चैनल पे हमेशा से यार कंटेंट देख रहे होगे कि भाई रिव्यूज़ होता है, मूवी का रिव्यू रहता है, कुछ अपडेट्स कभी कभार लेकर के आता हूँ, पर इस बार मैं सोच रहा हूँ कि भाई हमेशा जो है एक नया अपडेट लेकर के आऊँ ताकि आप आने वाले कंटेंट के बारे में सही तरह से जानकारी ले पाओ। लेकिन मैं उन सभी कंटेंट का नाम नहीं लेने वाला हूँ जो सभी एक लाइन से आने वाले हैं, मैं उस सभी कंटेंट का नाम लेने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़े लेवल पे आने वाला है। सो आने वाले महीने में सबसे बेस्ट कंटेंट कौन कौन सा है इसी बारे में बात करते हैं, कब आप देख पाओगे, कौन से डेट में ये रिलीज़ होने वाली है और कहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिसंबर में सबसे बड़ी मूवी अगर कोई थिएटर में लगने वाली है फर्स्ट वीक में तो वो है तड़प। और ये मूवी जो है आपको पता है आहान शेट्टी यानी सुनील शेट्टी के बेटे हैं और इसके अलावा तारा सुतारिया है, ये दोनों मिलकर के जो है आपको एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं RX100 के रीमेक के साथ में, जिसका मूवी का नाम है तड़प। सो ये आपको 3 दिसंबर में आपके नजदीकी थिएटर में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बारी आती है अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हो तो उसके फौरन बाद आपको देखना पड़ेगा मनी हाइस्ट, जो कि नेटफ्लिक्स की सबसे धमाकेदार वेब सीरीज में से एक है और ये होने वाला है एक फाइनल राउंड। सो यहां पे आपको देखने को मिलेगा सीजन 5 का Volume 2 यानी फाइनल पार्ट रहेगा और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रोफेसर एग्जैक्टली किस तरीके से अपने पूरे गैंग को निकालने वाले हैं, निकाल भी पाएंगे या नहीं इसी बारे में आपको जानने को मिलेगा। सो नेटफ्लिक्स पे दोपहर 12:30 बजे रेडी रहना इस कॉन्टेंट को देखने के लिए। नेक्स्ट कॉन्टेंट है Inside Age 3। अगर आपने इसका दोनों पार्ट देखा है तो आपको ये पार्ट भी काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगा और ये वेब सीरीज जो है OTT Amazon Prime पे आने वाला है। एंड आई होप कि ये कंटेंट जो है हमेशा की तरह रात को 12 बजे रिलीज हो जाएगा Amazon Prime पे, सो बी रेडी फॉर दैट कंटेंट। बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ पे जो कि 3 दिसंबर को रिलीज होने वाला है Zee5 पे और ये है बॉब बिश्वास। अगर आपने कहानी देखी है विद्या बालन की तो उसी फिल्म के अंदर में एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है बॉब बिश्वास। अब इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं अभिषेक बच्चन, जो कि भाई काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं अपने ट्रेलर में। ट्रेलर अगर नहीं देखा है तो जाकर के एक बार देखो, आप इसको देखने के लिए रेडी हो जाओगे। और बॉब बिश्वास 3 नवंबर को Zee5 पे आने वाला है, वो भी रात के 12 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ में, वो है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है आर्या सीजन 2, जिसमें आपको सुष्मिता सेन दिखने वाली है लेडी डॉन के रोल पे। पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा 1 साल पहले कि उनके हस्बैंड का जो है वहां पे कत्ल हो जाता है और उसके बाद से पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर करती है सुष्मिता सेन और अपने बच्चों के लिए जो है वो डॉन बनती है। अब इसी चीज को जो है कंटिन्यूसली आप देख पाओगे इस सीरीज में जो कि सीजन 2 आने वाला है 10 दिसंबर हॉटस्टार स्पेशल पे, सो बी रेडी फॉर दैट कंटेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ में, वो है 17 दिसंबर जो कि मेरे लिए काफी बड़ा डेट है क्योंकि इस डेट में जो मूवी आने वाली है वो एकदम सी फेवरेट है मेरी, स्पाइडरमैन सुपर हीरो की मूवी आ रही है मार्वल स्टूडियो की तरफ से और यहां पे आपको देखने को मिलेगा मल्टी यूनिवर्स से आए हुए मल्टी विलन्स और इसको सामना करने के लिए जाने वाले हैं अपने चुटकू से स्पाइडरमैन, जो कि भाई आम सी बात बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर में आपको 3-3 स्पाइडरमैन देखने को मिल जाए मल्टी यूनिवर्स से। सो ये मूवी आने वाली है आपके नजदीकी थिएटर में, आप हिंदी में भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो, 27 नवंबर से जो है इसकी टिकट बुकिंग भी करना शुरू कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ में, जो कि इसी डेट में जो है रिलीज होने वाली है पैन इंडिया लेवल पे पुष्पा, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की, जो कि भाई मोस्ट अवेटेड मूवी है और इसके बारे में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी कि ये मूवी जो है रिलीज होगी या नहीं होगी, लेकिन ये मूवी रिलीज होने के लिए रेडी हो चुकी है और 17 दिसंबर यानी स्पाइडर मैन हॉलीवुड की मूवी के सामने में लेकर के आ रही है अपनी मूवी और ये मूवी जो है थिएटर पे रॉक करने वाली है। आप इस मूवी का कितना वेट कर रहे हो इस बारे में यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना और इसके टिकट बुकिंग के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी यार कमेंट करके जरूर बताना। अगला बड़ा डेट है OTT के लिए 24 दिसंबर, क्योंकि यहां पे रिलीज होने जा रही है अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड मूवी अतरंगी रे, जिसमें आपको साउथ का टच देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पे रजनीकांत के दामाद आने वाले हैं धनुष, वो भी सारा अली खान के साथ में रोमांस करने के लिए। भाई ये मूवी जो है बहुत ही अतरंगी है और जिसके वजह से इसका नाम भी बहुत सूटेबल है अतरंगी रे, क्योंकि इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी लड़की जिसे 2 पति की जरूरत पड़ती है यानी उसे 2 से प्यार हो जाता है और वो कहती है कि एक लड़की की शादी 2 लड़के से क्यों नहीं हो सकती। अब भाई इसके बारे में जानना पड़ेगा ये मूवी कैसी है। ये मूवी रिलीज होने जा रही है हॉटस्टार स्पेशल पे और इस मूवी को लेकर के आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, अक्षय कुमार के अगर फैन हो तो आपको क्या लगता है अक्षय कुमार का रोल कितना बड़ा होने वाला है और उनका रोल कहीं गेस्ट अपीयरेंस तो नहीं ना है, भाई इस बारे में कमेंट करके जरूर बता।
बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ में, और ये कंटेंट जो है पिछले 2 साल से वेटिंग पे है। कंटेंट है 83, जिसमें दीपिका और रणवीर सिंह अपने पैसे भर भर के लगा चुके हैं, और ये मूवी जो है थिएटर पे कुछ अलग लेवल की दीवानगी लेकर के आने वाली है। अगर आप क्रिकेट लवर हो तो 1983 का वर्ल्ड कप के ऊपर में बेस ये कहानी आने वाली है आपकी नजदीकी थिएटर में। और इस मूवी को लेकर के आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, इसका टीजर अभी तक आपने देखा है या नहीं, और देखने के बाद में आपके अंदर में क्या एक्साइटमेंट चल रहा है वो कमेंट करके जरूर बताना। रणवीर सिंह के फैन हो तो भाई वो भी जरूर अपनी प्रेजेंट लगा करके जाए कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की तरफ में, वो है 31st of December, क्योंकि ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसलिए हो जाता है कि ये जो फिल्म है ओरिजिनल फिल्म का ही एकदम ऑफिशियल रीमेक है। फिल्म का नाम भी सेम टू सेम रखा गया है, जर्सी। और इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे शाहिद कपूर बहुत ही अलग अवतार में। जैसे कि आपने कबीर सिंह को एंजॉय किया होगा, जो कि एक साउथ की ही ऑफिशियल रीमेक थी, बिल्कुल वैसे ही नानी की जो मूवी थी जर्सी, उसी रोल को जो है दोबारा से जिंदा करने के लिए आ रहे हैं शाहिद कपूर। आप इस मूवी को लेकर के कितना एक्सपेक्टेशन रखते हो, और आपको क्या लगता है कि नानी वाला जो जादू है वो शाहिद कपूर निभा पाएंगे या नहीं? मृणाल ठाकुर के बारे में क्या कहना है, आप उनके फैन हो या नहीं, और उनके फैन कहीं टीवी वाले दुनिया से तो नहीं ना हो, ये भी यार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। सो दीज आर द कंटेंट इज गोइंग टू रिलीज ऑन December 2021। इन सारे में से कौन सा मोस्ट अवेटेड मूवी या मोस्ट अवेटेड कंटेंट है जो कि ओटीटी पे या फिर आपकी नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने को जारी है, वो कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊं, तो यार चैनल पे जाकर के यार सब्सक्राइब का बटन दबाओ और वीडियो को लाइक करो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।